साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मुंगावली में आज नगर निकाय चुनाव की मतदान प्रक्रिया के समापन के बाद लोकतंत्र के पर्व का भी समापन हो गया। आगामी 20 जुलाई तक के लिए प्रत्याशियों का नसीब ईवीएम मशीन में बंद हो गया है। अब देखना यह होगा कि 20 जुलाई को होने वाली मतगणना में किस प्रत्याशी का नसीब जागता है और ऊंट किस करवट बैठता है। आपको बताते चलें कि मुंगावली में नगर परिषद के निकाय चुनावों में 15 वार्डों से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार किया था। मतदाताओं तथा प्रत्याशियों को 13 जुलाई का बेसब्री से इंतजार था। आज 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से मुंगावली में बनाए गए 38 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया शुरू की गई थी। शाम 5 बजे तक सभी 38 मतदान केंद्रों पर औसत मतदान 70.64% संपन्न हुआ। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारी SDM मुंगावली राहुल गुप्ता ने बताया कि नगर परिषद मुंगावली के नगर निकाय चुनावों की मतदान प्रक्रिया के लिए 38 मतदान केंद्र बनाए गए थे तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए सेक्टर ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और नायब तहसीलदार समेत पुलिस मोबाइल टीम तथा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया था। 38 मतदान केंद्रों में से 6 मतदान केंद्रों को संवेदनशील भी बनाया गया था। उन्होंने बताया कि उक्त टीम की देखरेख में सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुंगावली में नगर परिषद के पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आगामी 20 जुलाई को मतगणना का काम किया जाएगा जिसमें प्रत्याशियों के भाग का फैसला होगा। वहीं वार्ड क्रमांक 12 की अगर बात करें तो वार्ड क्रमांक 12 में 1206 मतदाता थे जिनमें से 850 मतदाताओं ने आज अपने मत का प्रयोग किया। इस प्रकार यहाँ 70.48% मतदान संपन्न हुआ। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मुंगावली से मोहम्मद हनीफ के साथ कामिल अली की रिपोर्ट। थे हमारे साथ निर्वाचन अधिकारी SDM सर यहाँ पर मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो आज नगर परिषद मुंगावली के लिए मतदान प्रक्रिया चल रही है तो कितने केंद्र बनाए गए हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं? टोटल यहाँ पर 38 केंद्र बने हुए हैं मतदान केंद्र और प्रॉपर हमने सेक्टर ऑफिसर्स लगाए हैं और उनके साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगाए हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस की मोबाइल टीम और पर्याप्त पुलिस बल हर मतदान केंद्र पे मौजूद है। तो हर तरह की व्यवस्था की गई है ताकि मतदान शांतिपूर्वक हो सके। कहीं सर अभी तक जो है अराजकता या किसी गड़बड़ी कोई? नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं है और अगर शिकायत आती है तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। संवेदनशील कितने केंद्र? संवेदनशील हमने 6 बनाए हैं, 6 केंद्र। तो सर यहाँ जो है पुलिस की कैसी क्या व्यवस्था है? वहाँ पर मोबाइल टीम तैनात है और एक्स्ट्रा पुलिस बल भी लगा हुआ है। जो सुबह से सर अभी तक आप कितने केंद्रों का निरीक्षण कर चुके हैं? मैंने सभी केंद्र निरीक्षण कर लिए हैं। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।